चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है प्रॉपरली। एक बार चैट में बता दीजिए कि आवाज प्रॉपर आ रही है क्या। चलिए मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहले फटाफट से एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का। जैसे मैंने आपको बोला था कि कल की क्लास का हमको एक बार रिवीजन करना है। जस्ट एक सेकेंड ना, कल की क्लास का फट से रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़े थे भाई, सबसे पहले अगर कल की बात अगर मैं करूं तो कल की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़े थे। सबसे पहले अगर कल की बात करूं तो कल की क्लास में हमने नीति आयोग के बारे में पढ़े थे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो नीति आयोग के बारे में हमने पढ़े थे। हमने बोला था कि नीति आयोग जो है वो कब बना, फटाफट से चैट में बताते जाना, क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट। नीति आयोग कब बना, 2015 में बना। नीति आयोग कब बना, 2015 में बना। उसकी अनाउंसमेंट 2014 में हुई थी, बट नीति आयोग जो है वो फॉर्म कब हुआ, 2015 में फॉर्म हुआ। तो नीति आयोग इज फॉर्म्ड इन 2015, लेकिन वो उसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी, 2014 में उसकी अनाउंसमेंट हुई थी। आई होप ये पॉइंट क्लियर था। फिर नीति आयोग इज अ सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशन। हम प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें तो प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर कौन है भाई, नीति आयोग है। नीति आयोग किसका सक्सेसर है, प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है, ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के पहले हुआ करता था, और नीति आयोग जो है ठीक है ना वो बाद में बना। 2014 में प्लानिंग कमीशन को बंद करने की बात हो गई थी। नीति आयोग करता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, नीति आयोग करता क्या है, नीति आयोग क्या करता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट बात। नीति आयोग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंटली हमारी कंट्री में प्रोग्राम और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाता है। कॉपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी इशू हो रहा है उसको सॉर्ट आउट करता है, कौन, नीति आयोग। फिर उसके बाद मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है प्लान्स को, क्या करता है वो, मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है किसको, प्लान्स एंड पॉलिसीज को, क्या करता है, मॉनिटर करता है किसको, प्लान्स एंड पॉलिसीज को, कौन, नीति आयोग, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमने देखे थे कि नीति आयोग जो है वो एक और इंपॉर्टेंट काम करता है, और वो एक इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक है इंडिया का। तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाना वो सब काम भी कौन करता है, नीति आयोग करता है। स्ट्रेटेजीज बनाना ये सब भी काम इंडिया के लिए कौन करता है, नीति आयोग करता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखे थे, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे कि सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़े थे इसके बाद कि सेबी कब फॉर्म हुआ। तो सेबी फॉर्म हुआ 1992 में। सेबी कब फॉर्म हुआ, 1992 में। तो 1992 में जो है सेबी क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया, ठीक है ना, अंडर द सेबी एक्ट। अंडर कौन सा एक्ट बनाया गया, सेबी एक्ट जो है वो बनाया गया, और सेबी एक्ट के तहत क्या हुआ, सेबी फॉर्म हुआ। कौन सा एक्ट बनाया गया, सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर सेबी क्या करता है, सेबी को क्यों बनाया गया, सेबी का बनाने के पीछे इंटेंशन सिर्फ सिंपल सा था, और वो इंटेंशन था सेबी को बनाने के पीछे कि सेबी के केस में हमारे को क्या करना था, हमारी गवर्नमेंट जो है ठीक है ना उसको बनाने के पीछे इंटेंशन था, ताकि जो हमारी कंट्री के अंदर शेयर मार्केट है, रेगुलेटर है, हमारे कंट्री में जो शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उसको क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा क्या होती थी, दिक्कत होती थी, ठीक है ना, तो उसको रेगुलेट किया जा सके, इसीलिए सेबी को क्या करा गया, बनाया गया। तो सेबी इज अ रेगुलेटर, और उसका काम है इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करना। जो इन्वेस्टर शेयर मार्केट में पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करना, ये सेबी का पहला काम है। दूसरा काम सेबी का ये है कि सेबी जो है वो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करता है, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करता है, प्लस जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट एज वेल एज डेवलप करने का काम करता है। सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जैसे लाइक ब्रोकर्स वगैरह होते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, ठीक है ना, उनको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेबी करता है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास के अंदर देखे थे। फिर इसके बाद हमने बात करी थी कि सेबी ने एक इन्वेस्टर चार्टर करके क्या करा है, इशू किया है। फटाफट से चैट में बता दो इन्वेस्टर चार्टर क्या किया है, इन्वेस्टर चार्टर का मतलब क्या है, चैट के अंदर फटाफट से बता दो। सेबी ने इन्वेस्टर चार्टर इशू किया है, इन्वेस्टर चार्टर का मतलब क्या होता है, फटाफट से चैट के अंदर बता दो भाई, इन्वेस्टर चार्टर का मतलब क्या होता है, फटाफट से चैट के अंदर बता दो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। मैं पहले रिवीजन कराऊंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टर चार्टर, फटाफट से। इन्वेस्टर चार्टर का मतलब क्या होता है,
हाँ डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में क्या लिखा रहता है? हाँ इन्वेस्टर चार्टर डॉक्यूमेंट है, वो मेरे को भी मालूम है, बट वो डॉक्यूमेंट क्या लिखा रहता है भाई? इन्वेस्टर चार्टर एक डॉक्यूमेंट का नाम है, वो डॉक्यूमेंट जो होता है इन्वेस्टर चार्टर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर डूज एंड डोंट्स एज वेल एज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन्वेस्टर, जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डूज एंड डोंट्स जो होते हैं वो सारी चीजें उसके अंदर क्या होती है, लिखी हुई रहती है। कहां पे? इन्वेस्टर चार्टर में। तो इन्वेस्टर चार्टर में डूज एंड डोंट्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो क्या होती है, लिखी हुई रहती है। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे, बराबर। उसके बाद हम लोगों ने बात कर रहे थे किसकी, सीसीआई की। सीसीआई के ने क्या, सीसीआई क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली क्या काम करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है बेसिकली वो हमारी कंट्री के अंदर कॉम्पिटिशन को प्रमोट करने का काम करता है, और डोमिनेंट पोजिशन का जो लोग अब्यूज कर रहे हैं, मोनोपोली का जो अब्यूज कर रहे हैं, मोनोपोली बना रहे हैं, उनको कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, रोकता है, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट मेन रोल ये होता है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया डोमिनेंट ऑफ जो हमारे अपनी पोजिशन का गलत फायदा उठा रहे हैं उनको रोकता है, ठीक है ना। और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अगर कोई दो कंपनी मर्ज हो जा रही है और उसकी वजह से कॉम्पिटिशन मार्केट में खत्म हो जा रहा है तो उन सबको रोकने का काम कौन करता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा कोई भी वो मर्जर नहीं होने देता जो मर्जर की वजह से क्या हो, हमारी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। जो कंट्री के, हमारी कंट्री के अंदर जो मर्जर्स की वजह से क्या है, प्रॉब्लम आए, ऐसा कोई भी मर्जर एक्विजिशन वो होने नहीं देता जिससे कॉम्पिटिशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। फिर उसके बाद हमने एक और पार्ट डिस्कस करे थे जिसके अंदर हमने बोले थे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया किसने, तो हमने बोले थे कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया। फटाफट से बोलेंगे, कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया है। कंपटीशन एक्ट जो है वो 2002 क्या करा गया है, बनाया है, ठीक है ना। तो कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया, उसको अमेंड करा गया कंपटीशन एक्ट 2007, उसको अमेंड कब करा गया, 2007 में। और वही कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, वही कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, वही कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए क्या बनाया गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। वही ऑब्जेक्ट, उनको ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए क्या बनाया गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करे थे। उसके अलावा हमने बोले थे कि उसमें एक चेयरमैन होता है, उसके अलावा छह अदर मेंबर होते हैं। एक क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन होता है, और उसके अलावा छह अदर मेंबर्स उसके अंदर और होते हैं। टोटल 7 मेंबर हो गए, लेकिन 1 चेयरमैन प्लस 6 अदर मेंबर। उसके चेयरमैन का नाम मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि चेयरमैन का नाम क्या है, फटाफट से चैट में आना चाहिए, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, रवनीत कौर। मधुबीपुरी बग इज चेयरमैन ऑफ वहां, ठीक है ना, रवनीत कौर। तो रवनीत कौर इज नथिंग बट दी चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक रीजनल वेस्ट के अंदर ऑफिस, मुंबई के अंदर रीजनल ऑफिस ऑफ वेस्ट, मतलब मुंबई के अंदर एक ऑफिस इनॉग्रेट हुआ है, जिस और इनॉग्रेट श्रीमती निर्मला सीतारमन मैम ने किया है। तो पेपर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक रीजनल ऑफिस जो वेस्ट के अंदर आता है, क्योंकि मुंबई मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वेस्ट में आता है, तो इसीलिए रीजनल ऑफिस वेस्ट, ठीक है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का इनॉग्रेट करा गया मुंबई के अंदर बाय श्रीमती निर्मला सीतारमन मैम। श्रीमती निर्मला सीतारमन मैम हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर हमने बात करे थे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की, ईबी की। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो हमारी कंट्री के अंदर इंसॉल्वेंसी की, इंसॉल्वेंसी की जो इश्यूज है उससे रिलेटेड डील, उससे डीलिंग करता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है या बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है? तो जो भी बंदा अपना डेब्ट चुकाने के लायक नहीं रहता है, जो भी बंदा अपना लोन से लायबिलिटी चुकाने के लायक नहीं रहता है, ऐसे बंदे को क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट कहा जाता है। ऐसे बंदे को क्या कहा जाता है, इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। और अगर वो बंदा लोन चुकाने के लायक अपने नहीं रह रहा है और बाद में वो बात को जाके कोर्ट में क्या प्रूव कर देता है, प्रूफ कर देता है, तो ऐसे बंदे को कहा जाता है बैंकक्रप्ट। जब उसको जाके वो कोर्ट में प्रूफ कर देता है और कोर्ट उसके ऊपर मोहर लगा देता है कि हाँ भाई इसकी औकात नहीं है पे करने की, तो वो क्या बन जाता है, बैंकक्रप्ट। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इन सब मैटर्स को क्या करता है, डील करता है। और ये 2016 में क्या करा गया, बनाया गया। कब बनाया गया, 2016 में। रवि मित्तल साहब इसके चेयरमैन है, इतना याद रखना था। इसके चेयरमैन कौन है, रवि मित्तल साहब इसके चेयरमैन है, इतना आपको याद रखना था। आईसीएसआई हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, दोबारा नहीं पढ़ना था। G7 के बारे में हमने बोले थे कि G7 जो है वो 1975 में फॉर्म हुई थी, ठीक है ना। उसके अंदर टोटल 7 कंट्रीज मेंबर है। G7 की जो समिट है 2023 में, करंट में ईयर में, मतलब 2023 में G7 की जो समिट है वो कहाँ पे हुई, हिरोशिमा में हुई। G7 की समिट जो है वो करंट इंडिया, करंट ये साल में 2023 में कहाँ पे हुई, हिरोशिमा के अंदर हुई, हिरोशिमा विच इज इन जापान। पेपर में ज्यादा इसके अलावा और कुछ पूछेगा नहीं।
आदिल रिचार्ड बोलते हैं कि सर आईस्पोर्ट 40 out of 15 करंट अफेयर, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट, थैंक यू भाई। ये 4 पेज मैंने आपको काटने बोला था। फिर अब बात आती है बिजनेस पर्सनैलिटीज एंड लीडर्स की। यहाँ से हम लोगों ने बोले थे कि हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा 10-15 मिनट आप लोगों को रिविजन करवाना था, बचा थोड़ा सा ही पार्ट था, बट मेरे को आप लोगों को रिविजन करवाना था, इसीलिए मैंने कल ये टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया था। वैसे हो जाता था कल कंप्लीट, बट हमने नहीं किए थे। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको सारी बातें याद आ रही है कल की, ठीक है ना। अब बिजनेस पर्सनैलिटीज के नाम है ये सिर्फ, अब ये कोई टॉपिक नहीं है, नाम है। जैसे मुकेश अंबानी कौन है, तो मुकेश अंबानी में याद क्या रखना है, मुकेश अंबानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी के 2 पोजीशंस है, एक वो चेयरमैन भी, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको सीएमडी बोला जाता है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है मुकेश अंबानी। और साथ ही साथ पढ़ा लिखा बंदा है भाई, वो केमिकल इंजीनियर है, आईसीटी से, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई जो है, वहां से वो केमिकल इंजीनियर बना है। क्या है वो? केमिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी से, ठीक है ना। और भाई साहब उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से यूएस से एमबीए भी करा हुआ है। 1977 से वो रिलायंस के बोर्ड में है, ठीक है ना, 1977 से रिलायंस के अंदर काम कर रहे हैं, बोर्ड में है उसके। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूएसए की, वहां से उन्होंने एमबीए किया हुआ है। फिर अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी कौन है भाई, एक भी एक एंटरप्रेन्योर है। विप्रो लिमिटेड करके हमारी कंट्री में कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, जैसे इंफोसिस के एक सॉफ्टवेयर कंपनी, ऐसी विप्रो लिमिटेड एक कंपनी हमारी कंट्री के अंदर। तो उसमें अजीम प्रेम जी साहब जो है वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर के तौर पे ऐसा चेयरमैन वहां पे है। तो विप्रो लिमिटेड के चेयरपर्सन है अजीम प्रेम जी, और ये बहुत बहुत बड़ी कंपनी है बेसिकली, ये 40 सालों से काम कर रही है। और बेसिकली ये एक चेयरमैन तो है विप्रो लिमिटेड के, बट उसके अलावा इनकी आइडेंटिटी पता है क्या है, ये बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है बहुत दानवीर आदमी, बहुत ज्यादा डोनेशन करते हैं। इनकी एक अजीम प्रेम जी फाउंडेशन करके है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। तो इनको बहुत बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट भी माना जाता है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा डोनेशन वगैरह क्या करते करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी इनका बहुत बड़ा रोल है, तो ये फिलेंथ्रोपिस्ट भी है, प्लस विप्रो लिमिटेड जो है हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके क्या है, चेयरमैन है, उसके क्या है, चेयरमैन है। क्लियर। उसके बाद में गौतम अदानी को कौन नहीं जानता भाई, अदानी ग्रुप के चेयरमैन है, इनको कौन नहीं जानता, अदानी ग्रुप जो हमारी कंट्री के अंदर है उसके चेयरपर्सन है गौतम अदानी। कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। कुमार मंगलम बिरला कौन है, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। आदित्य बिरला ग्रुप जो हमारी कंट्री के अंदर है, जो उसके चेयरमैन का नाम क्या है, कुमार मंगलम बिरला। एक चार्टेड अकाउंटेंट भी है बाय प्रोफेशन, ये कुमार मंगलम बिरला एक चार्टेड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, और आदित्य बिरला ग्रुप के क्या है, चेयरमैन है। नॉर्मल है, नाम याद रखने और क्या करना है। टीम कुक भाई, इनको कौन नहीं जानता, वो तुम्हारा एप्पल मोबाइल, हाँ उसके सीईओ है भाई, एप्पल का फोन तो बढ़िया चाहिए सबको, बट उसके सीईओ का नाम क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके सीईओ जो कंपनी को हेड कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसका नाम है टीम कुक। क्या नाम है, टीम कुक। बिल गेट्स भाई, इनको तो बिल्लू भाई को सब जानते हैं, बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, अब नहीं है, नहीं जिंदा है बट अमीर आदमी नहीं है, सबसे अमीर नहीं है अभी, एलन मस्क सबसे अमीर आदमी है दुनिया का, ठीक है ना। तो बिल गेट्स जो है भाई साहब, ये एक वर्ल्ड की सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उसके चेयरमैन हुआ करते थे, अभी नहीं है, उसके फाउंडर है बेसिकली, वो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, उस कंपनी के चेयरमैन बिल गेट्स है। अभी बेसिकली उसके करंट चेयरमैन माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला है, अभी करंटली बिल गेट्स उसके चेयरमैन नहीं है। बिल गेट्स ने ये कंपनी फॉर्म करी थी, बट अब वो रिटायर हो गए, भैया हमको काम नहीं करना है भैया, तो ठीक है ना, अब वो क्या है, इसके चेयरमैन नहीं है। तो सत्य नडेला साहब जो है इज द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो एलन मस्क भाई साहब, पेपाल, टेस्ला, स्पेसएक्स, ये कंपनी के चेयरमैन हमारे एलन मस्क, बहुत बड़े इन्वेस्टर है, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है भाई, ठीक है ना। वॉरेन बफेट, अब इनकी आइडेंटिटी बताओ आपको क्या है, ये कोई कंपनी के ना चेयरमैन है, ये ना कोई कंपनी के मालिक है, या सभी कंपनियों के मालिक है, बेसिकली ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट जो है एक बहुत बड़े क्या है, इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट जो है वो क्या है, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इतना पैसा इन्वेस्ट करे ने, इतना पैसा इन्वेस्ट कर करके ने इतना पैसा कमाया कि ये वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में अच्छा शामिल, वर्ल्ड के टॉप 10 अमीरों में इनका नाम आज भी आता है, ठीक है ना। और इन्होंने एक प्लेज ली हुई है कि भाई मैं ना जब मरूंगा तो मरते टाइम कि मरने के बाद मेरे 99% ऑफ दी उनकी जो संपत्ति रहेगी, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, मतलब जितना भी पैसा उन्होंने जमा किया होगा उसका, जैसे 100 रुपए उन्होंने जमा किया होगा तो उसमें से 99 रुपीज फॉर एग्जाम्पल
वो पूरा का पूरा क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। तो इन्होंने एक प्लेज ली हुई है कि उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का 99% हिस्सा डोनेट कर दिया जाए, अब वर्ल्ड के अंदर डोनेट कर दिया जाए। ये ओमाहा करके एक प्लेस है, वहां पे पैदा हुए थे, इसलिए इनको विजार्ड ऑफ ओमाहा कहा जाता है। क्लियर? नरेंद्र मोदी कौन है? वी ऑल नो दैट। इनके बारे में क्या बताना है ना? बोला मैं इधर अच्छा, नरेंद्र मोदी का जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम है, मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम है, जो बाइडन पेपर में पूछ सकते हैं कि जो बाइडन कौन है, बस नाम याद रखना है कि कहाँ के कौन है, बस इतना याद रखना है, जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम है, ठीक है ना। वैसे ही व्लादिमीर पुतिन, ये रशिया के प्रेसिडेंट का नाम है। पुतिन जो है बेसिकली कहाँ के प्रेसिडेंट है? रशिया के। अभी रशिया बीच में बहुत हॉट टॉपिक में था क्योंकि यूक्रेन के साथ उसकी वॉर चालू थी, इसीलिए बहुत उसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो पुतिन साहब, इनके नाम पेपर में पूछ सकते हैं, वर्ल्ड लीडर से ये। तो व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है, जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट है, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। बेटा ये पर्सन है रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ, दिस इज द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ, एलन मस्क। प्रगति, अब ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जो आपको दो पेज दिख रहे हैं इसके बाद में, आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जो दो पेज दिख रहे हैं इसके बाद में, ये बेसिकली हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं? हमारे ई बुलेटिन से। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जो आपको दो पेज दिख रहे हैं इसके बाद में, ये बेसिकली हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है ये कहाँ से पढ़ते हैं? ई बुलेटिन में से हम पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ये बेसिकली क्वाड वगैरह जो है वो ई बुलेटिन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्वाड वगैरह के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो हम ई बुलेटिन से पढ़ेंगे। क्लियर? यस और नो? अब आपको ये टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो आप पहले वो पूछिए मेरे से, और उसके बाद मैं आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल अफेयर्स, मतलब अब जो पार्ट करंट अफेयर के अंदर बचा हुआ है वो बहुत चिल्लर पार्ट है, मतलब उसमें से कई सारी चीजें काटनी है, ठीक है ना, उसमें से कई सारी चीजें काटनी है क्योंकि एक्स्ट्रा की फालतू की पुरानी चीजें दी हुई है भरपूर। इसके बाद जो अब हम पढ़ेंगे उसमें से वो चैप्टर में आप समझ लो ऑलमोस्ट आपका 50% चैप्टर कट जाएगा क्योंकि फालतू की चीजें पुरानी हो गई है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, वो दी हुई है, बट ठीक है हम पढ़ेंगे वो, उसके देखेंगे। बट उसके पहले आपको कोई भी डाउट है चैप्टर में, एनी डाउट आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं नया टॉपिक फिर सिंपली क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, और नहीं ये तो भी एटलीस्ट बता दो। हाँ बस तीन लीडर्स के नाम दिए, तो तीन ही लीडर्स के नाम याद रखोगे ना यार, इससे ज्यादा क्या याद रखोगे, ऐसे तो पूरे वर्ल्ड के लीडर्स है फिर, अब दिए नहीं तो जबरदस्ती क्यों याद रखना। सीसीआई बता दो, ठीक है बता देता हूँ, और सीसीआई दोबारा बता देता हूँ, और हाँ ब्लश चल जाएगा ऐसे तो थोड़ा बहुत अपडेट होगा। वन लाइनर एशियन में 11 मेंबर्स हैं, चल एक डाउट आया है। सीसीआई वापस से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री में 2003 में फॉर्म हुई, ठीक है ना, हमारी कंट्री के अंदर कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, मोनोपोली को रोकने के लिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली बनाई गई, ठीक है ना। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाने के पीछे इंटेंशन बहुत सिंपल सा था, हमारी कंट्री के अंदर मोनोपोली को प्रमोट करना, सॉरी मोनोपोली को डिमोटिवेट करना और कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना, इसके लिए क्या करेगी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई, ठीक है। और उसके अंदर एक चेयरमैन होता है, उसके अलावा 6 और मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है उसके अलावा 6 और मेंबर्स उसके अंदर होते हैं, टोटल मिला के 7 मेंबर्स उसके अंदर बेसिकली होते हैं। क्लियर? ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। सेबी रिपीट करना है दीपक, ठीक है।
सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर बनी, जिसका बनाने के पीछे इंटेंशन बहुत सिंपल सा था कि हमारी कंट्री के अंदर स्कैम जो शेयर मार्केट में या गड़बड़ियां जो शेयर मार्केट में हो रही है उसको रोका जाए और जो लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा जो है वो सेफ रहे। तो इन्वेस्टर जो होते हैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको उनको प्रोटेक्ट करा जाए, साथ ही साथ जो शेयर मार्केट हमारी कंट्री के अंदर है उसको प्रॉपरली रेगुलेट एंड डेवलप करा जाए, प्लस उसके साथ साथ जो ब्रोकर्स वगैरह शेयर मार्केट से कनेक्टेड होते हैं उनको भी रेगुलेट और डेवलप करा जाए, ठीक है ना। इस तरीके क्या बनाया गया, शेयर सेबी बनाया गया। तो सेबी इज नथिंग बट लाइक आरबीआई, आरबीआई इज लाइक पप्पा मम्मी ऑफ आपका क्या बोलते हैं बैंक, वैसे सेबी इज पप्पा मम्मी ऑफ ऑल शेयर मार्केट, सॉरी ऑल मतलब शेयर मार्केट इन आर कंट्री, ठीक है ना। सो बेसिकली शेयर मार्केट का जो पप्पा मम्मी है या आप बोल सकते हो उसको रेगुलेटर है वो क्या है, सेबी है, जो उसको रेगुलेट करता है चलाता है, ठीक है ना। इस तरीके से उसकी चेयरमैन का नाम है मदभी पुरी भट, चेयरपर्सन ऑफ इब्बी रवि मित्तल, बेटा ऊपर मॉनिटर लगा हुआ है जिसके अंदर आपका जो चल रहा है स्क्रीन वो दिखता रहता है एक्स्ट्रा स्क्रीन, तो इसलिए मेरे को देखना पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए मेरे को ऊपर कई बार देखना पड़ता है, स्क्रीन लगी हुई है स्क्रीन को देखना पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स। चलिए अब पॉलिटिकल अफेयर क्या होता है, पॉलिटिकल अफेयर बेसिकली क्या होता है, अभी डाउट्स आप लोगों ने मत डालो, बाद में डालना, बाद में पूछ लेना, अभी चालू कर दो नया टॉपिक, ठीक है ना। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या मिस्टर शिव बताना है क्या, हाँ बाद में मतलब बताना है क्या, क्लियर। अब पॉलिटिकल अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं बेसिकली उनमें से पॉलिटिक्स में कितने लोगों को इंटरेस्ट है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से पॉलिटिक्स में से पॉलिटिक्स में किसको किसको इंटरेस्ट है, पहले तो आप चैट में मेरे को वो बता दो कि यहाँ पे जितने लोग आप बैठे दिख रहे हैं मेरे को उनमें से पॉलिटिक्स जो है उसमें कितने लोगों को इंटरेस्ट है, कितने लोगों को इंटरेस्ट है फटाफट से चैट में बता दो। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, कितने लोगों को इंटरेस्ट है। मी नो ये चल रहा है, ठीक है भाई, देखो सिंपल भाषा में है या नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको इंटरेस्ट या नहीं है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो इन आर कंट्री, सबसे पहले तो ये चैप्टर में आपको मिनिस्टर्स के नाम ही है, ऑलमोस्ट आपको ज्यादातर ये चैप्टर के अंदर नाम भरे हुए हैं और आपको नाम याद रखने हैं, वो याद हो जाएंगे और मैं वो करवा दूंगा, उसका टेंशन नहीं है, हाँ बट ये गारंटी नहीं है कि आज के आज पूरे नाम याद हो जाएंगे, बट अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले तक हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद क्विज होते हैं, फिर उसके बाद मैराथन होती है, बूस्टर होती है, तो हर बार इतनी बार जब हम रिपीट करते हैं ना तो एग्जाम तक ये सारे नाम आपके दिमाग में जितने याद रखने वाले हैं वो याद हो जाते हैं, तो आज के आज तो पूरे नाम याद नहीं होने वाले, आज थोड़े बहुत हो जाएंगे तो हो गए, पूरे तो आज नहीं होने वाले, ठीक है ना। तो बेसिकली करंट पॉलिटिकल सिनेरियो इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है, सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो कौन सी है, प्राइम मिनिस्टर की। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नाम तो शायद हर बच्चे को बताऊंगा, हर छोटे मोटे बच्चे को भी बताऊंगा कि भाई हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो करंटली वह है वो कौन है, नरेंद्र मोदी साहब है। लेकिन इसमें से कितने लोगों को ये बात पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर तो है ही, बट उसके साथ साथ वो दो तीन और मैटर्स को हैंडल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो है ही मेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मतलब होता है मेन मिनिस्टर, जिसके अंडर बाकी छोटे छोटे मिनिस्टर्स आते हैं और वो छोटे छोटे मिनिस्टर जो उसके होते हैं वो उसको रिपोर्ट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर चेक करते हैं कि जो बाकी मिनिस्टर्स उनके अंडर है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनका वो प्रॉपरली देश में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सॉरी अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो बेसिकली
मोदी जी के पास दो तीन और पोस्ट है। प्राइम मिनिस्टर तो है ही मोदी जी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, बट प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ मोदी जी पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, वापस से बोलूंगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ मोदी जी पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन इसके भी मिनिस्टर है। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन मोदी जी इसके भी क्या है, मिनिस्टर है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये भी मोदी जी हैंडल करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये भी मोदी जी हैंडल करते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, मतलब क्या सर? सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर के अलावा वो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, सर इसका मतलब क्या होता है? पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंस मतलब होता है पब्लिक की प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस मतलब होता है पब्लिक की प्रॉब्लम्स, और पेंशन का मतलब होता है जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपको पेंशन मिलती है, पैसा मिलता है एक्स्ट्रा। तो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ठीक है ना, इसके मिनिस्टर भी मोदी जी है। पब्लिक ग्रीवेंस मतलब प्रॉब्लम्स, पब्लिक की प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। ऑटोमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बम जो आपने सुना होगा, बटन दबा उठ जाएंगे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर पावर जो है, ऑटोमिक एनर्जी हमारी कंट्री के अंदर की जो है, उसको उसके डिपार्टमेंट को भी हेड मोदी जी करते, वो भी मैटर मोदी जी ही संभालते। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस चंद्रयान 3 गया, ये चंद्रयान जो हमारे गया है, ये स्पेस में जो मिशन होते हैं हमारी कंट्री के, इसरो जो मिशन करता है, वो डिपार्टमेंट को हेड भी मोदी जी करते। मतलब ऑटोमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, पेंशन, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पर्सनल, ये मेरे साथ रिपीट करोगे तो याद रहेंगे, नहीं तो मिनिस्ट्री याद नहीं रहने वाली। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन मोदी जी हैंडल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, ऑटोमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मोदी जी हैंडल करते हैं। उनके अलावा ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज का मतलब होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी, हमारी कंट्री के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उसको भी डिसाइड कौन करते हैं? मोदी जी करते हैं। अब उसके साथ साथ मोदी जी की जो टीम है, ये मोदी जी पूरा देश अकेले मिलके नहीं चला रहे, उनके लिए अकेले ही पूरे देश को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, तो उनकी बेसिकली टीम है, वो तो टीम के कैप्टन हो गए आपस में, जैसे रोहित शर्मा जैसे कैप्टन ऑफ वर्ल्ड कप टीम, तो बाकी टीम भी है ना, बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, सब है उसके अंदर, तो वैसे यहां पे भी है। उनकी टोटल एक 30 लोगों की टीम है, अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं तो 20, एग्जैक्ट मैं बोलूं तो 28 लोगों की उनकी टीम है मोदी जी की। उनके अलावा 28 और लोग है, टोटल मिला के 29 मोदी जी को मिला के, जो मोदी जी की टीम है, टीम ऑफ पीएम मोदी, जो पीएम को रन करने में, कंट्री को रन करने में हेल्प करती है। मोदी जी अकेले फिर हैंडल करते हैं पूरी कंट्री, हमको क्या लगता है कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है क्या मोदी जी डिसीजन लेते हैं क्या हर चीज का? नहीं, अलग 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 हमारी कंट्री के अंदर पोर्टफोलियोज मतलब डिपार्टमेंट्स है। ये जो आपको दिख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर, रोड, फाइनेंस, ये अलग 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 मैटर्स है हमारी कंट्री के अंदर, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए, जिनको पोर्टफोलियोज डिपार्टमेंट्स बोला जाता है। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, डिफेंस रिलेटेड मिनिस्ट्री जो है, वो कौन हैंडल करता है? राजनाथ सिंह जी। जो राजनाथ सिंह जी है वो हैंडल करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मतलब क्या? मिलिट्री हमारी कंट्री की, जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रही है, किससे? बाहर वालों से। तो हमारी कंट्री को जो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मिलिट्री वगैरह, ठीक है ना, तो उनसे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होती है डिफेंस मिनिस्ट्री, जिनका काम होता है कि मिलिट्री को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मिलिट्री जो मिलिट्री डिपार्टमेंट्स है उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी इश्यूज है, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करती है? संभालती है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो हैंडल करते हैं हमारी कंट्री में राजनाथ सिंह जी। उसके मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। इसीलिए राजनाथ सिंह जी को कहा जाता है डिफेंस मिनिस्टर, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? डिफेंस मिनिस्टर। यानी डिफेंस मिनिस्ट्री को जो हेड कर रहे हैं उसका नाम है राजनाथ सिंह, और उसको मतलब होता है डिफेंस मिनिस्टर कौन है, मतलब डिफेंस मिनिस्टर इज राजनाथ सिंह, हु इज द हेड ऑफ डिफेंस मिनिस्टर। तो मिलिट्री से रिलेटेड जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, मैटर्स है, वो सब राजनाथ सिंह जी क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। फिर बात आती है अमित शाह। अब अमित शाह कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स मतलब क्या होता है? कंट्री की इंटरनल मैटर्स। जैसे हमारी कंट्री को इंटरनली प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस होती है, बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री होती है, डिफेंस होता है। तो होम अफेयर्स मतलब होता है हमारी कंट्री का जो इंटरनली प्रोटेक्ट करती है पुलिस, उनको हेड करते हैं कौन? अमित शाह। उसको बोला जाता है होम अफेयर्स रिलेटेड मैटर, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री को हैंडल करते हैं उसको, वो डिपार्टमेंट को कहा जाता है होम अफेयर्स। हिंदी में बोला जाता है गृह मंत्रालय, इंग्लिश में होम अफेयर्स। होम मतलब विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री जो भी मैटर्स है जिसकी वजह से हमारी कंट्री को कुछ नुकसान या हो रहा है या उसको प्रोटेक्ट करना है, तो वो काम कौन करती है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, दैट मीन उनके अंडर पुलिस वगैरह आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ये दो मिनिस्ट्रीज है। कॉपरेशन मतलब सपोर्ट, कॉपरेशन का मतलब होता है सपोर्ट, तो एक मिनिस्ट्री बनाएगी जो सपोर्ट करने के लिए बनाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ये दो मिनिस्ट्रीज जो है बेसिकली, ये मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं। इसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। तो पेपर में अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अमित शाह। हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इज अमित शाह। तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज जो है वो अमित शाह जी क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। मेरे साथ रिपीट जितना करोगे उतना ये याद रहेगा, एक बार में याद नहीं होगा, नहीं तो कोई गाइड नहीं करता भाई उनको, वो तो उनके असिस्टेंट्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं उनके। भली सी नितिन जयराम गडकरी, वन ऑफ दी बहुत ज्यादा टैलेंटेड मिनिस्टर, बहुत टैलेंटेड, वन ऑफ दी टैलेंटेड मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी। अब भाई ये क्या करते हैं? तो हमारी कंट्री के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, हमारी कंट्री के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री को कौन हैंडल करते हैं? अमित शाह साहब हैंडल करते हैं। सॉरी माय मिस्टेक, नितिन गडकरी मतलब रोड मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है। जो आप सीमेंट रोड बनते हुए दिख रहे, हाईवेज बनते हुए देख रहे हो, ठीक है ना, ये सब कौन कर रहा है? नितिन गडकरी। तो बेसिकली वो मैटर को कौन हैंडल करता है? नितिन गडकरी। फिर उसके अलावा बात आती है कि हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंस, पैसा और कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब कंपनीज, कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब होता है जो कंपनी से रिलेटेड मैटर्स है, और फाइनेंस मतलब होता है पैसे से रिलेटेड मैटर्स, ये दोनों हैंडल कौन करता है? निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन मैम इज फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑल्सो। तो निर्मला सीतारमन मैम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तो है ही, उसके साथ साथ क्या भी है वो? मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है। ये दो मिनिस्ट्रीज बेसिकली उनके पास है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये दो मिनिस्ट्रीज बेसिकली निर्मला सीतारमन मैम के पास है। हाँ, ये चैप्टर के अंदर नाम बहुत है, तो ये पॉइंट आपका होने वाला है कि ये चैप्टर के अंदर नाम जब इतने सारे हैं ना, तो एकदम से आपको नाम याद नहीं होंगे, ठीक है ना, और थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं बोर पार्ट भी लगेगा ये टॉपिक। बट अगेन मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा ना, यहाँ पे तो चलो ठीक है, घर पे जाके तो आपसे एक टॉपिक भी, एक पॉइंट भी, एक पेज भी नहीं पढ़ते होंगे ये चैप्टर का, ये चैप्टर ऐसा है। तो क्लास में जितना प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है ना, उतना अच्छे से ये क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो, जितना हो सकता है उतना अच्छे से ये क्लास के अंदर प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये नहीं होने वाला घर पे, ये चैप्टर पूरे नाम भरे हुए चैप्टर के, समझ मेरी बात, पूरे नाम, और नाम ही याद करने ज्यादातर ये चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर सॉरी। तो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर, फार्मर से रिलेटेड मैटर, फार्मर वेलफेयर मतलब फार्मर की भलाई, ठीक है ना, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स जो है वो कौन हैंडल करता है? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी नहीं रहे, कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो है वो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर जो है बेसिकली वो कौन हैंडल करता है डिपार्टमेंट? नरेंद्र सिंह तोमर हैंडल करते। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की अगर मैं बात करता हूं, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट मिनिस्टर्स डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, बहुत टैलेंटेड, क्या जवाब देता हूं, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्री, यानी दूसरे देशों से हमारा रिलेशन बना के रखना, दूसरे देशों के साथ मैटर्स को हैंडल करना, ठीक है ना, वो सब काम कौन करता है हमारे कंट्री के अंदर? वो सब काम कौन करता है? बेसिकली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिनका नाम है, वो सब काम हमारी कंट्री के अंदर कौन करता है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। क्लियर? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब जो है बेसिकली वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करते हैं? हैंडल करते हैं, ठीक है। एक बार आपस से रिवाइज करो फटाफट से, दो तीन बार पढ़ने पड़ेंगे। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। बोलो मेरे साथ रिपीट करो, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। होम अफेयर्स और कॉपरेशन के मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। होम अफेयर्स एंड कॉपरेशन के मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर कौन है? नितिन जयराम गडकरी। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर कौन है? नितिन जयराम गडकरी। फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह
तोमर। एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। फिर उसके बाद ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल मतलब होता है आदिवासी लोग, ट्राइब मतलब होता है आदिवासी, तो ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है वो कौन है भाई? तो हमारी कंट्री के अंदर ट्राइबल अफेयर जो है उसके मिनिस्टर कौन है? तो अगर मैं ट्राइब की बात करूं, ट्राइबल अफेयर्स की बात करूं, तो ट्राइबल अफेयर्स मतलब आदिवासी से रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं वो हैंडल करते हैं अर्जुन मुंडा, मुंडा नहीं अर्जुन मुंडा, ठीक है ना। तो अर्जुन मुंडा साहब जो है वो क्या करते हैं प्रॉपरली स्पेलिंग, नहीं तो एम का जी होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अर्जुन मुंडा साहब जो है बेसिकली वो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं किसको? ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स बोले तो हमारी कंट्री के अंदर जो आदिवासी कल्याण मंत्रालय होता है, अजीब नाम है ना, नाम अजीब है तो क्या होगा, नॉर्मल तो है, ठीक है ना, अजीब वगैरह क्या होता है, उससे रिलेटेड मैटर्स हैंडल कौन करता है? अर्जुन मुंडा साहब। अब ये वुमन मतलब सास, चाइल्ड मतलब बहू, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्मृति जुबिन ईरानी, कोई सीरियल आता था क्योंकि सास भी कभी बहुत ही वाला, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसे याद रखो, वो मिनिस्ट्री को कौन हैंडल करता है? स्मृति जुबिन ईरानी। और उसके साथ साथ माइनॉरिटी अफेयर्स जो होते हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स मतलब होता है कि हमारी कंट्री के अंदर कई कास्ट माइनॉरिटी में है, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी है, जैसे कई कास्ट हमारी कंट्री में माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटीज की रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व करना, प्लस वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, दो अलग अलग मिनिस्ट्री है, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस एक माइनॉरिटी अफेयर्स, ये दो मिनिस्ट्रीज को बेसिकली हेड करना, हैंडल करना, वो किसका काम है हमारी कंट्री के अंदर? स्मृति जुबिन ईरानी का। किसका काम है? स्मृति जुबिन ईरानी का। फिर पीयूष गोयल, ये बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, पीयूष गोयल साहब बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, और उसके साथ साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिनिस्ट्री, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये तीनों मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं पीयूष गोयल साहब। एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, देखो सीए है तो बट ऑब्वियस बात है सीए से अच्छा कॉमर्स कौन हैंडल करेगा, तो इसीलिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर इनको बनाया गया, ऐसे याद रखो, सीए है तो सीए से अच्छा कॉमर्स और इंडस्ट्री कौन हैंडल करेगा, तो इसीलिए किसको बनाया गया है? पीयूष गोयल साहब को बनाया गया, ठीक है ना। प्लस कंज्यूमर अफेयर्स को भी हैंडल, सी फॉर कॉमर्स, सी फॉर कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो सी फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, सी फॉर सीए, ठीक है ना। और उसके अलावा सीए तो टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़ा, तो कपड़े तो पहने गए, ठीक है ना, तो टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़ा, तो ऐसे याद रखना है। पीयूष गोयल साहब कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसको हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, इसको हैंडल करते हैं। और उसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान साहब जो है, यही वो आदमी है एजुकेशन वाला जो एग्जाम ले रहा था आपकी 12th तक, मतलब श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, ये बेसिकली हमारी कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर है। कौन से मिनिस्टर है? हमारी कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर है। इनके पास दो डिपार्टमेंट है बेसिकली, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है प्लस एक हमारी कंट्री के अंदर जो स्किल, स्किल मतलब होता है हुनर और एंटरप्रेन्योरशिप, हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री जो है ये हैंडल करते हैं। तो बेसिकली अगेन ये दो मिनिस्ट्रीज हैंडल करते हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एक स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो मिनिस्ट्रीज बेसिकली ये क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो मिनिस्ट्रीज बेसिकली ये क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। क्लियर? यस और नो? ये तीनों मिनिस्ट्रीज का बेसिकली ये क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। क्लियर और नॉट? क्लियर? So, आज तो हम यहीं पे रोकते हैं क्योंकि बहुत सारे नाम हो गए, इतने नाम आप लोगों को याद नहीं रहेंगे क्योंकि, ठीक है ना, आज तो हम यहीं पे रोकते हैं।
बाकी इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसके आगे का जो टॉपिक है बेसिकली वो हम कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नाम बहुत सारे एकदम से याद नहीं रहेंगे आपको, इसी वजह से मेरे को आज यहाँ रोकना पड़ेगा। हाँ अंशिका, ठीक है, तो आज यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, फिर कल इसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे मिनिस्टर्स के नाम पढ़ेंगे और ये टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल।